किसी का किया एहसान कभी मत भूलो, अपना किया एहसान कभी याद मत दिलाओ। बहुत खफा थे कि लहजा बदल गया मेरा, उन्हीं के लहजे में जब उनसे बात की मैं। कई बार चुप रहना बुज़दिल नहीं बल्कि समझदारी और वक्त का तकाजा होता है। जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी सी लगती है, और जिन्हें सपने पूरे करना अच्छा लगता है उन्हें दिन रात छोटी लगती है। और ना कोई राह आसान चाहिए और ना ही हमें कोई पहचान चाहिए, और एक ही चीज मांगते हैं हर रोज भगवान से कि अपनों के चेहरे पर हर पल प्यारी सी मुस्कान चाहिए। कचरे में फेंकी रोटी रोज ये बयां करती है कि पेट भरते ही इंसान अपनी औकात भूल जाता। शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर अगर मर जाए तो खेल खत्म समझिए। महानता कभी ना गिरने में नहीं बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। दोस्तों, एक बहुत अच्छी सी कविता है जो वाकई अपने जीवन को ढूंढने में हमें ये बतलाती है कि क्या हम अपने जीवन को ढूंढ पाएंगे भी या नहीं, कि कौन हूं मैं, क्या हूं मैं, कहां हूं मैं। कविता है कि आ गया दिल में बैठे बैठे एक ख्याल, और पूछ लिया खुद से यूं ही एक सवाल, कि क्या हूं मैं, क्यों हूं मैं और कहां हूं मैं। बीत गया दिन, मिला न मुझको कोई जवाब, अगले दिन पूछा मैंने दूसरों से यही सवाल, आखिर क्या हूं मैं, क्यों हूं मैं, कौन हूं मैं। बीत गया दिन, मैं बटोरती रही जवाब, इतना कह गए थे दूसरे इंसान, अब ना बचा था दिन ना ही कोई सवाल, अब सोच रहा था मुझसे ज्यादा मुझे दुनिया ने जाना, मैंने अपने आप को इतने सालों में भी ना पहचाना, लगता है बस यही थी कहानी, मेरी जिंदगी बीत गई दूसरों की जवानी, ढूंढती रही मैं दूसरों में जिंदगी, कैसे कर दी मैंने खुद में बेमानी, जीवन है मेरा उसे यूं ही नहीं गंवाना, यही है मेरी जिंदगी का नया पैमाना। कनिका पाठक जी की कविता जो वाकई बहुत ही अच्छी है। दोस्तों, ये बातें मैं कहने से पहले मैं जरूर एक बात कहना चाहूंगा कि सुनो ऐ दुनिया वालों, हम अकेले ही सही, कम से कम तन्हा होने का एहसास तो है, लेकिन जिस भीड़ में तुम खड़े हो उसमें कौन तुम्हारा है। तो मेरे भाई, कभी भी अपने आप को अकेला मत महसूस करो, ये दुनिया पूरी अकेली है। वो कहते हैं ना कि वक्त अच्छा जरूर आता है मगर वक्त पर ही आता है, और दिल की आवाज को कभी मत ठुकराना क्योंकि उम्मीद से ही बनते हैं आशियाने, और वक्त से सीखो बदलते रहने का सब, और वक्त कभी खुद को बदलते नहीं थकता। जीवन में